नमस्कार। चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं इथियोपिया के टॉप 10 मूवीज़ के बारे में। वो जानकारी से पहले आपको पता देना चाहूँगा, इस तरह से हम बहुत सारे देशों के टॉप 10 मूवीज़ के बारे में जो डिटेल्स है अपने चैनल में अपडेट करके रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को विजिट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इथियोपिया के टॉप 10 मूवीज़। तो नंबर 10 पर है लैम्ब पार्ट 2, जो कि 2015 में रिलीज हुआ था। IMDb इसको मिले हैं 6.9 रेटिंग्स। यारेड जेल के इसको डायरेक्ट किए थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी था। नंबर 9 पे है रनिंग अगेंस्ट द वाइंड पार्ट 2, 2019 में ये मूवी रिलीज हुआ था। जॉन फिलिप वेल इसको डायरेक्ट किए थे और IMDb पे इसको 7 का रेटिंग मिला हुआ है। ये एक ड्रामेटिकल मूवी था। नंबर 8 पर है हार्वेस्ट 3000 ईयर्स, जो कि 1975 में रिलीज हुआ था। हायले जेनमा इसको डायरेक्ट किए थे और IMDb पे इसको मिले हैं 7.1 स्टार्स। ये एक ड्रामेटिकल मूवी था। नंबर 7 पर है तेजा, जो कि 2008 में रिलीज हुआ था। हायले जेरिमा इसको डायरेक्ट किए थे और इसको IMDb पे मिले हुए हैं 7.1 स्टार्स। ये भी एक ड्रामेटिकल मूवी था। नंबर 6 पे है ट्राइंगल पार्ट 1, जो कि 2012 में रिलीज हुआ था। थ्रेडोस टेसम इसको डायरेक्ट किए थे। IMDb पे इसको मिले हैं 7.2 स्टार्स और ये भी एक ड्रामेटिकल मूवी था। नंबर 5 पर है सोस्ट माइजन, जो कि 2013 में रिलीज हुआ था। टियोडोस ट्रेसम इसको डायरेक्ट किए थे और IMDb पे इसको मिले हैं 7.3 स्टार्स और ये भी एक ड्रामेटिकल मूवी था और उसके साथ साथ इसमें एडवेंचर भी था। नंबर 4 पर है रेबोनी, जो कि 2015 में रिलीज हुआ था। किडिस्ट ईएलमा इसको डायरेक्ट किए थे। IMDb पे इसको मिले हैं 7.4 स्टार्स और ये एक ड्रामेटिकल मूवी था। नंबर 3 पर है द 11th आवर पार्ट 2, जो कि 2007 में रिलीज हुआ था। जलेलम ओल्ड मरियम इसको डायरेक्ट किए थे। IMDb पे इसको मिले हैं 7.7 स्टार्स। ये एक ड्रामेटिकल मूवी था। नंबर 2 पे है लैम्बाडीना, जो कि 2015 में रिलीज हुआ था। मसाई गेटानोन इसको डायरेक्ट किए थे। IMDb पे इसको मिले हैं 8.8 स्टार और ये एक ड्रामेटिकल मूवी था। नंबर 1 पे जो मूवी है उसके बारे में जानने से पहले बता देना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें। नंबर 1 पे है मीन अलेस, जो कि 2019 में रिलीज हुआ था। अम्लेसेट मुच्ची इसको डायरेक्ट किए थे। IMDb पे मिले हैं इसको 9.1 स्टार और ये एक ड्रामेटिकल मूवी था। तो दोस्तों इथियोपिया देश के टॉप 10 मूवीज़। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना। स्टे सेफ एंड गुड बाय।